तुम जैसों के आगे नहीं। हमारे जैसे कोई और है ही नहीं। तुम्हारे जैसे पाखंडी अक्सर होते हैं। अपने बुजुर्ग की तरफ देखो, इन्हें एक मिसाल बनने दो। मुझे याद है जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा था, एक शख्स सामने आया जो पूरे दुनिया पे कब्जा करना चाहता था। हम दोनों में बहस छिड़ गई थी। एक सिपाही किसी और वक्त का। वक्त तो अब तुम्हारा खत्म हो गया। एजेंट रोमानोव, याद तो आई होगी मेरी। चलो दिखा अपना जलवा सीन वाले पैसे। अकलमंद हो मिस्टर स्टार्क। हेलो कैप्टन। वो कुछ कह रहा है? नहीं कुछ नहीं। उसे बस यहां ले आओ, वक्त बहुत कम है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मतलब इस नौटंकी ने इतनी आसानी से कैसे हार मान ली? पहले कभी इतना आसान नहीं था। ये आदमी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। बुजुर्ग होने के बावजूद भी तुम काफी चुस्त लगते हो। जिम में जाते हो क्या? क्या? जहां कसरत करते हैं। तुम इतने साल इस सबसे दूर रहे ना, इतने दिन बर्फ में जमे जो रहे। फ्यूरी ने बताया नहीं था कि वो तुम्हें बुला रहे। हाँ, बहुत सी बातें जो तुम्हें नहीं बताता है फ्यूरी। ये बिजली कैसे? क्या हुआ, जरा सी बिजली से डर गए? इस बिजली का कड़कना हम सब के लिए अपशगुन है। तुम क्या कर रहे हो? से एक और? ये बंदा दोस्त है? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोकी को आजाद कर दे या मार डाले, टेसरेक्ट तो नहीं मिलेगा। स्टार्क, हमें हमले का प्लान बनाना होगा। लो बन गया प्लान, हमला करो। उनके बीच मत पड़ो कैप्टन। मैं बैठा नहीं रह सकता। वो महागाथाओं के योद्धा है, उनमें दैविक शक्तियाँ होती है। शक्तियाँ तो है मैम, पर दैविक कम और राक्षसी ज्यादा।